हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये यहाँ से ओपन स्वेटर है, ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 12 to 18 मंथ के लिए बनाया है। आप कोई और भी साइज़ बना सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न है और मुझे इसमें 180 ग्राम यार्न यूज़ हुई है। अगर आपकी यार्न पतली या मोटी होती है या भारी होती है तो उससे अंतर पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, मैं बना रही हूँ 12 to 18 मंथ के लिए। तो मैंने क्रोशिया 3.50 mm का लिया है, यार्न 4-ply ली है। ये थोड़ी सी 4-ply में मोटी है, पतली भी आती है, ये थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। तो वैसे ये तो मैं बना रही हूँ 12 to 18 मंथ के लिए। तो वैसे मैंने और हर साइज़ के लिए योग के वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप कोई और भी साइज़ बनाना चाहें तो उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ 64 चेन। फिर हम उसमें बटन पट्टी के लिए प्लस करेंगे। तो जो मैंने वीडियोज़ में बताई हुई हैं वही चैन ले रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा हम 4-4 बटन के लिए लेंगे। तो पहले मैं 64 चेन्स बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी। तो पहले हमने स्लिप नॉट बनाई और फिर देखिए 64 चेन्स बना लेंगे। तो देखिए, ये 64 चेन बना लिए हैं। अब 8 चेन एक्स्ट्रा बना रहे हैं हम। जो अब जो भी साइज़ बना रहे हैं उसमें 8 एक्स्ट्रा बना लीजिए बटन पट्टी के लिए। तो यहाँ पर हम 8 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये तो एट एक्स्ट्रा हो गई। इसके बाद 2 और बनाएंगे, 1, 2। अब ये जो 1, 2 छोड़ेंगे और जो थर्ड वाली है इसमें एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये चैन 2 है, वो हमारा स्टिच नहीं है। ये 1, 2 3, 4 ये बटन पट्टी के स्टिच हैं। इसके बाद देखिए, हम पहले कंधे बनाएंगे, फिर बैक बनाएंगे, फिर दूसरा कंधा बनाएंगे, फिर फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, 4 हमारी ये बटन पट्टी के लिए हो गए। अब देखिए, यहाँ से हम 12 स्टिच बनाएंगे जो हमारे कंधे के लिए होंगे। 1, 2, 3, 4 मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ से हम टोटल काउंट करेंगे तो वो 16 स्टिच होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने मैं 4 वाले में मार्क कर देती हूँ। ये 1, 2, 3, 4 वाला है, इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमारी बटन पट्टी शुरू होगी। अब ये हमने देखिए, ये हमारा कंधा है। चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे हमने 12 स्टिच रखे हैं और नेक्स्ट वाले स्टिच से 20 जो चैन हैं उनमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो ये हम पहले हमने ये कंधा बनाया है, फिर हम बना रहे हैं बैक, और ये इसको मार्क कर लेंगे। बैक बना रहे हैं, फिर दूसरा कंधा बनाएंगे और फिर फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। टोटल 20 बनाने हैं तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बैक के 20 बना लिए हमने। अब दूसरा कंधा बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट से 12 स्टिच जो हैं वो हमारे कंधे के लिए बनेंगे। ये 1, 2, 3 तो मैं ये 12 और बना लेती हूँ दूसरे कंधे के लिए, और इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट रो में मार्क कर लीजिए, फिर समझ में आने लगेगा। मैं कंधा बना लेती हूँ दूसरा। 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं 12 चैन में। तो ये देखिए, दूसरा कंधा भी मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 24 स्टिचेस होने चाहिए, चैन्स होने चाहिए। अगर देखिए आपकी कम है तो आपको उधेड़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से उधड़ जाएगी।
तो आप हमेशा चेंज को एक्स्ट्रा बना लीजिए। तो अगर ज़्यादा होंगी तो आप यहाँ से खोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चैन वन बनाएंगे, ये हमारे यहाँ फ्रंट है ये, तो यहाँ पे 24 स्टिच हैं, इनमें हर एक में वन वन डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। इसको भी मार्क कर देंगे, 4 बटन पट्टी के लिए हैं और 20 फ्रंट के लिए हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट तक हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी 1 2 3 4, ये यहाँ की बटन पट्टी है, यहाँ पे ये 4 यहाँ इस तरफ की बटन पट्टी है। अब देखिए सेकंड रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, चैन वन हमारा स्टिच नहीं है, ये जो फर्स्ट है यही हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। 1 2 3 और ये 4, ये देखिए 4 हमारे बटन पट्टी के लिए। अब देखिए ये हमारी बैक साइड है और ये है हमारी फ्रंट साइड, ये देखिए जहाँ से हम फर्स्ट रो बनाते हैं जिस पे वो हमारी फ्रंट साइड होती है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो फिफ्थ वाला स्टिच है इस पे देखिए यहाँ पे हम एक बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे। अगर हम इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे तो उधर बैक पोस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, तो जब उस तरफ से आएंगे तो ये फ्रंट पोस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसी पे एक डबल क्रोशिया भी हमको यहाँ बनाना है, जस्ट यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, स्टिच बढ़ाएंगे हम इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच बढ़ गया, जिस पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसी पे एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये जो ये वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाया था, इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए ये जो है ये 19 वाला, ठीक है, ये चैन वन से जस्ट पहले वाला स्टिच। अब देखिए इसको ये हम बैक साइड से बना रहे हैं इसलिए इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, जब फ्रंट से बनाएंगे तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो इस स्टिच को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। आपको बस यही ध्यान रखना है इस चीज़ में, ये हमने इसको बैक पोस्ट बनाया। अब ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, अब देखिए ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको भी हमें बैक पोस्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले स्टिच से यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे। एक बार और बता दूंगी, सेम ऐसे ही बनाना है हर जगह। तो देखिए ये सेकंड वाले चैन वन के पास स्पेस में आ गए हैं। अब देखिए ये वाला स्टिच है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिच बना लिए हैं। अब ये देखिए ये वाला जो स्टिच है इसको बैक पोस्ट बनाएंगे और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन वन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके जस्ट बाद वाला है इसको भी बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में स्टिच बनाएंगे और जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही हम यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बना के आती हूँ। तो देखिए ये रो को मैंने लास्ट तक बना लिया, यहाँ पे 5 स्टिच बचे हैं, 4 हमारे बटन पट्टी के लिए और एक एक्स्ट्रा वाला स्टिच है लास्ट, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो फिफ्थ वाला स्टिच है यहाँ से काउंट करेंगे लास्ट फिफ्थ वाला स्टिच, इसमें एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए इसी वाले स्टिच को बैक पोस्ट बनाएंगे, जिसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है उसको ही हमने उस पर एक डबल क्रोशिया बनाया, उसको ही एक बैक पोस्ट उसी स्टिच को बैक पोस्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एक स्टिच बढ़ गया। अब देखिए ये जो 4 स्टिच हैं इसमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो चैन 2 था वो हमारा स्टिच नहीं था तो इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे, फिर से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए ये वापस हमारी फ्रंट साइड आ गई है। अब आपको देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस इसी तरीके से बनाना है, चैन वन बनाएंगे और ये जो फर्स्ट 4 स्टिच हैं इनको ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3
अब देखिए आपको क्या करना है, ये फ्रंट पोस्ट स्टिच है। जब हम जाते वक्त देखिए पहले फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे, और फिर देखिए जो नेक्स्ट स्टिच है इस पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। ये पीछे हमने उस तरफ से बैक पोस्ट बनाया था, ये फ्रंट से फ्रंट पोस्ट आ रहा है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट, ये जो स्टिच है ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है हमने चैन वन के स्पेस से पहले बनाए थे, ये देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमने चैन वन के स्पेस से पहले ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे ना, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उस तरफ से जब बनाएंगे तो बैक पोस्ट बनाना है। ये जो फ्रंट पोस्ट है हमने इस पर डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये जो बीच में हमने वन डबल क्रोशिया चैन वन वन डबल क्रोशिया बनाया था, इस वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट बनाना। और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वापस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जब पीछे से बनाएंगे तो इनको बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, तो हर कॉर्नर पे हमें तीन, यहाँ पे हमारे पास ये हैं कॉर्नर चैन वन के स्पेस, तो यहाँ पे बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट का जो स्टिच है बटन स्टिच बटन पट्टी से जस्ट पहले, ठीक है। तो मैं इसको बना के लास्ट में आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ, सिक्स स्टिच बचे हैं। तो जब हम आए थे तो हमने फ्रंट पोस्ट के बाद टू डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले वाले स्टिच पे टू डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। जो फोर स्टिच हमारे हैं उन बटन पट्टी के लिए वो हमें ऐसे के ऐसे ही बनाने हैं, वहाँ कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप जैसे मैं बता रही हूँ आप रिपीट करते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और ये देखिए ये जो स्टिच है इनमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। लास्ट वाला स्टिच जो होगा वो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे, क्योंकि चैन थ्री से जब स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखती नहीं है और ये हमारे जो एंड्स हैं वो भी प्रॉपर नहीं आते। ये देखिए अब ये थर्ड, अब फोर्थ वाली रो बना रही हूँ, थर्ड और फोर्थ ही आपको रिपीट करनी है। देखिए यहाँ पे पलट लेंगे इसको। अब ये फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फ्रंट पोस्ट हमारा हर बार फिफ्थ स्टिच पे ही रहेगा, ठीक है, फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट जो भी आ रहा है। अभी देखिए हमारी रो बेक से बना रहे हैं हम, तो इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, तो ये जो फिफ्थ स्टिच है उसको बैक पोस्ट बना देंगे। और जो सिक्स वाला स्टिच है इस पर टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, ये देखिए यहाँ तक बना लेंगे। ये स्टिच ये चैन वन के स्पेस से जस्ट पहले वाले स्टिच तक, तो देखिए यहाँ तक हमने स्टिच बना ली। ये हमारे बीच के स्टिच हैं वन डबल क्रोशिया चैन वन वन डबल क्रोशिया। तो ये जो वन डबल क्रोशिया है इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, उस तरफ से फ्रंट पोस्ट बनाए थे इस तरफ से बैक पोस्ट बनाएंगे। और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे, और फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। और हर कॉर्नर पे तीन कॉर्नर हैं यहाँ पे हमारे चैन वन के स्पेस हैं, उन पे यही करना है। और फ्रेंड्स अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे वहाँ इंस्टाग्राम पे बहुत इजी रहता है बातचीत करना या फ़ोटो भेजना, तो आप उस पर मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको क्रोशिए में कुछ प्रॉब्लम आती है आप रेगुलर वीडियोज़ देखा कीजिए, और आप ये सोचिए कि आपने थोड़े से वीडियो देखे आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत आता है और आप वीडियो देखेंगे और आपका परफेक्ट बन जाएगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार आप चीज़ों को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, आपको अपनी गलतियां खुद समझ में आने लगेंगी, तभी आप कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आप बिल्कुल बिगनर से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप थोड़ा सीख जाएंगे उसके बाद फिर आपको कोई चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जो वीडियो है मैं अपने बनाती हूँ उसमें मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताती हूँ और हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि आप सर्दियों में देख रहे हैं, गर्मियों में बल्कि हमें ज़्यादा टाइम होता है कि हम गर्मियों में ज़्यादा टाइम लेके हर चीज़ को बना के सीख सकें। तो जब सर्दियों में आप बनाएंगे प्रैक्टिस, आप गर्मियों में कीजिए और जब सर्दियों में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इस रो को बनाते हुए लास्ट में यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 6 स्टिच 5 6, जब तक 6 स्टिच बाकी रह जाते हैं तब तक मैं यहाँ पे बना के इसको आती हूँ। तो देखिए रो के लास्ट में आ गए, यहाँ पे हमारे पास 6 स्टिच बचे हैं। तो ये जो देखिए इस तरफ से 6 वाला है, इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और देखिए ये जो बैक पोस्ट है, यहाँ से हमें बैक पोस्ट ही दिखाई दे रहा है, इसमें इसको बैक पोस्ट बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो यही हमें 3 और 4 रो रिपीट करनी है। कब तक रिपीट करनी है मैं आपको आगे बताऊंगी, कितने बनाना है तो मैं इसको बना लेती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 रो बना ली हैं और यहाँ से देखिए ये कॉर्नर इस तरीके से इसको रखेंगे, ये जो बटन पट्टी है वो एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये डबल क्रोशिया है यहाँ तक और ये कॉर्नर तक हमने नापना है। हमें ये 1 ईयर के लिए 12 to 18 मंथ के लिए 20 इंचेस होगी, तो डबल में 10 इंचेस होगी, ठीक है। तो इतनी होनी चाहिए, अगर नहीं है, ये थोड़ी सी कम है अभी, तो मैं इसमें 2 चैन बना दूंगी आर्म होल जोड़ते वक्त, उससे क्या होगा ये थोड़ी सी इसकी चेस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप 2 रो और बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 11 वाली रो बनाएंगे। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और ये फर्स्ट 4 स्टिच ऐसे ही बनेंगे 1 2 3 4। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको ऐसे ही बनाएंगे जस्ट। अब देखिए ये वाला जो स्टिच है ये फ्रंट पोस्ट स्टिच के जस्ट बाद वाला स्टिच, यहाँ पे देखिए हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और ये देखिए ये जो चैन 2 का स्पेस है यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया बना देंगे फर्स्ट वाले चैन 2 के स्पेस में, 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए ये जो स्टिच है ये नेक्स्ट वाला, इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट है देखिए नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए देखिए जस्ट यहाँ फ्रंट पोस्ट स्टिच है यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब देखिए यहाँ तक आ गया, अब ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, पहले हम इस पर नॉर्मल स्टिच बनाए थे। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है नेक्स्ट इस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और देखिए जो थर्ड वाला चैन 2 का स्पेस है चैन 1 का स्पेस यहाँ आ जाएंगे और इस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, मैं आ रही हूँ फिर यहाँ बना के यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाते हैं फ्रंट पोस्ट क्रोशिया से जस्ट पहले वाले स्टिच पे।
तो देखिए रो के एंड में आ गए हैं, ये सिक्स वाला स्टिच है, वहाँ भी हमने स्टिच नहीं बढ़ाया था। अब देखिए यहाँ भी ये वाला स्टिच है, इस पर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे, अब हम स्टिच इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ये जो स्वेटर है लास्ट तक ओपन ही रहेगा, लास्ट में हम जब बॉर्डर बनाएंगे तब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये जो फोर स्टिच हैं इन पे हर एक पे एक एक स्टिच बना लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शेप नहीं आ रहा स्वेटर का, लेकिन अब जब थोड़ी रो बनाते हुए बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो इसका शेप आपको अलग से दिखने लगेगा। और अभी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ भी शेप नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब ये 11 वाली रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे, ये फर्स्ट फोर स्टिच हैं वैसे के वैसे ही बनेंगे, अब ये जो इस तरफ से उल्टी तरफ से हैं तो ये बैक पोस्ट बनेगा स्टिच, इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए चैन टू के स्पीस तक आ जाएंगे, ठीक है। ये चैन टू का स्पीस दिया था हमने आर मोल पे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना होगी, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ये वाला जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बनाया था, तो यहाँ पे हमें इसे ये वाला स्टिच जो है ये भी बैक पोस्ट, पीछे से यहाँ से बैक पोस्ट, ये स्टिच फ्रंट पोस्ट ही चलेगा एंड तक। मैं बताऊँगी एक स्टिच यहाँ चलेगा, देखिए ये जो हमने ये वाला फ्रंट पोस्ट बनाया है ये फ्रंट पोस्ट ही चलेगा इसमें, एक फ्रंट पोस्ट यहाँ चलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। फिर देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और यहाँ से ये जो दो स्टिच हैं, दो चैन बनाई थी, इनमें भी एक एक स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों चैनों में स्टिच बनना चाहिए। अब देखिए दो स्टिच हमने बनाए, अब ये वाला देखिए, ये जो फ्रंट पोस्ट देखिए यहाँ आ रहा है, इसको देखिए बैक पोस्ट ही बनाना है। ये स्टिच लास्ट तक, स्वेटर के लास्ट तक ऐसे ही चलेंगे, यहाँ भी इस तरीके से। पहले मैं यहाँ पे बना के ये नेक्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पे आ जाती हूँ, हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बना के यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए ये वाला जो ये फ्रंट पोस्ट स्टिच है इसको यहाँ से बैक पोस्ट बनाएंगे, वहाँ से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक ये है देखिए जस्ट आर्म होल से, ये चैन टू से पहले ये दो स्टिच है, इनमें एक एक स्टिच बनाएंगे, और ये जो चैन टू है इनमें दो स्टिच बनाएंगे एक एक दोनों में। देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और यहाँ से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। अब देखिए 13 वाली रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक स्टिच, सॉरी फर्स्ट फोर जो स्टिच हैं वो ऐसे ही बनेंगे, फोर ये देखिए, और जो भी फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं ये वन, फिर यहाँ पे हर एक स्टिच में एक एक स्टिच, जो फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं उनको फ्रंट पोस्ट बनाना है, उल्टी तरफ से आएंगे तो बैक पोस्ट बनाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे एक पैटर्न बनेगा जो लास्ट तक आएगा। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं, एक फ्रंट पोस्ट ये रहा, एक फ्रंट पोस्ट यहाँ है, और ये फ्रंट पोस्ट ये वाला, तो इन पे स्टिच कहीं नहीं बनाना, अब हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ था, ये देखिए ये वाली लाइन ये इस तरीके से आ रही है, ये एक ये आ रही है। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, अब बॉर्डर बनाने से पहले देखिए आप चाहें तो इस वाली ये देखिए इसको इसके ऊपर रख के बॉर्डर बना सकते हैं, यहाँ पे बटन लगेंगे, चाहें तो आप इसको बाद में यहाँ पे सिल सकते हैं, एक दो टाके लगेंगे दिखेंगे नहीं, और चाहें तो आप इस वाली को इसके ऊपर रख के रख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ तो दो तीन बटन लगेंगे, वन टू, चाहे तो पूरे में लगा सकते हैं, यहाँ पे वन टू थ्री बटन लगेंगे, बाकी का हम सिल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बॉर्डर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी रो बनाई है, वन आर्म होल के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन रो बनाई हैं, और ये सिक्स एंड हाफ इंचेस के करीब करीब हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला इसके ऊपर रख के ज़्यादा अच्छे से लग रहा है, इसलिए मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी। अब देखिए ये यहाँ हमने ये रखा, अब ये देखिए एक के ऊपर एक स्टिच, फोर स्टिच है, वन टू थ्री, ये फोर वाला स्टिच है, तो ये फोर स्टिच हैं, इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ऐसे अब ये फोर्थ वाला जो स्टिच है, वन टू थ्री फोर, यहाँ से हमने चैन डाली और ये धागा डाला, और यहाँ से हमने इसको धागे को यहाँ ऊपर की तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ से ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच बनाने हैं, टू थ्री और ये फोर, ये फोर्थ वाला स्टिच है, ये एक दूसरे के ऊपर रख के हमने बनाए हैं। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए वापस मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टिच बना रही हूँ, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे हर एक स्टिच पे नॉर्मल स्टिच बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस पर। अब देखिए ये हमने बना लिए लास्ट तक, अब ये जो फर्स्ट वाली चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, सॉरी फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही जॉइन करेंगे, चैन तो दिखेगी भी नहीं। अब देखिए चैन थ्री से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री, अब एक स्टिच हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये जो हमने चैन वन और वन डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्टिच नहीं बनाएंगे, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट वाले से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे, ये बॉर्डर बना रहे हैं हम, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। इस रो को बना के मैं लास्ट में आ जाती हूँ, एक रो और आपको बता दूँगी, बॉर्डर सेम इसी तरीके से बनेगा। तो देखिए थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, वन टू थ्री, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से देखिए चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है उसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से, और जो बैक पोस्ट बन रहा है उसको बैक पोस्ट बना देंगे। तो इस ये बॉर्डर मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद स्लीव बनाएंगे, ठीक है। तो जितना आपको बड़ा रखना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए इसका बॉर्डर मैंने ये स्वेटर का बना लिया है, यहाँ पे फाइव रो बनाई हैं, ठीक है। अब स्लीव बनाएंगे, स्लीव के लिए देखिए कि हमने दो चैन, ये बीच के जो दो स्टिच हैं, जस्ट देखिए बीच वाला जो स्टिच, ये बीच इन दोनों के बीच से यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे, अब देखिए इसको इस तरीके से इस तरफ निकाल लेंगे, चैन वन बनाएंगे, और देखिए नेक्स्ट जो दो स्टिच है इन दोनों को एक करेंगे। देखिए ये आपको यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा, लेकिन आपको इसको लेना है, छोड़ना नहीं है, तो गैप दिखाई देगा, वन और ये जो नेक्स्ट वाला है सेकंड, ये टू, इन दोनों को एक कर देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ठीक है, यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ राउंड में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए स्लीव की लास्ट रो के हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे ये दो स्टिच बचे हुए हैं, देखिए इन दोनों को एक कर देंगे। लास्ट के जो दो स्टिच बचे हैं देखिए ये है और ये है, और ये लास्ट वाला है, इसको एक कर दिया। अब देखिए ये फर्स्ट वाला, ये दो स्टिच को एक किया था, ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे इस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए, यहाँ से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ जाएंगे। तो देखिए ये चैन थ्री को हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ देखिए इसमें स्लिप स्टिच बनाया था, इसी में 3 चैन बनाई थी, और लास्ट में आते वक्त हमने यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाया है। अगर आप इसमें नहीं बनाएंगे तो ये जो बीच में जो लाइन आनी चाहिए वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी इस तरफ, या साइड में इस तरफ हो जाएगी और इस तरफ हो जाएगी। थर्ड वाली चैन पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन थ्री बनेंगे, 1 2 3 और देखिए लास्ट में आएंगे जब यहाँ पे एक स्टिच बनेगा, ठीक है। अब इस तरफ से टर्न हो जाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो ये जो हम रो बना रहे हैं, ये वाली रो, ये मतलब दो रो और बनाएंगे सेम इसी तरीके से, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो ये दो रो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको एक बार और रो बता दूँगी किस तरीके से और स्टिच घटाने हैं हमें। तो ये देखिए ये फोर्थ वाली रो है, हमने फर्स्ट वाली रो में स्टिच घटाए थे, फिर हमने ये 3 रो बनाई हैं। अब देखिए इसमें हर फोर्थ वाली रो में स्टिच घटा रही हूँ मैं इसमें। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना लेंगे, किसी भी बड़ा साइज़ हो छोटा साइज़ हो तो उससे क्या होगा, सी एक सा शेप आएगा। हर फोर्थ वाली में, हर फिफ्थ वाली में इस तरीके से, या थर्ड वाली में आपको ज़्यादा घटाने हैं उस हिसाब से रो डिसाइड कर लीजिए किस रो में स्टिच आपको घटाने हैं। तो ये हमारी फिफ्थ रो है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने घटाए थे, अब ये फोर्थ आ रही है, यहाँ से 1 2 3 में हमने कोई स्टिच नहीं घटाया, फोर्थ वाली है। तो इसमें देखिए स्टिच घटाएंगे, 1 2 3 इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट, देखिए आधा ही बनाया हमने स्टिच को, और ये दूसरा, इन दोनों को एक कर देंगे। यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे जब तक हमारे दो स्टिच बाकी नहीं रह जाते, तब तक मैं बना के इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ रो के लास्ट में आ गए हैं, अब ये जो लास्ट के दो स्टिच हैं इन दोनों को एक करेंगे। थर्ड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हर फोर्थ रो में स्टिच हम घटाएंगे, इससे एक सा शेप आए उसका, ठीक है, स्लीव का। तो ये पहले मैं घटा लेती हूँ, बना लेती हूँ, स्लीव की लंबाई पूरी कर लेती हूँ, फिर इसका हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 15 रो बना ली हैं, अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो टोटल 8 इंच रखेंगे इसकी जो स्लीव है उसको। तो देखिए ये अब क्या करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3। तो ये मेरी रो अंदर से आ रही है इसलिए मैं वापस पलट रही हूँ, अगर आपकी फ्रंट से आ रही है तो आप बाहर से ही बना लीजिए, इसको अलग से आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम टर्न नहीं करेंगे, राउंड राउंड बनाएंगे। तो देखिए ये चैन थ्री बनाया, और देखिए नेक्स्ट वाला स्टिच है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट बनाएंगे। सेम जैसे हमने बॉर्डर नीचे बॉर्डर बनाया था वैसे ही बनाना है। तो इसको मैं एक रो और आपको बता दूंगी, पहले ये बना के आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, 1 2 3 थर्ड वाली चैन में, चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3 और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये मैं दोनों स्लीव हैं इनको पूरा बना लेती हूँ और इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये बन के कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 3 बटन लगा दिए हैं, आपको और एक्स्ट्रा बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो सिल दीजिए, नहीं तो सिलना भी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा।
और चाहे तो पूरे में भी बटन लगा सकते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।